बड़ी खबर राजस्थान से है, जहां विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में है। वहां पर बीजेपी ने दूसरी लिस्ट अपनी जारी कर दी है। कैंडिडेट्स को लेकर 83 नामों पर से पर्दा बीजेपी ने हटा दिया है। 83 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी ने किया है। झालरा पाटन से चुनाव लड़ेंगी वसुंधरा राजे। बड़े चेहरों पर निगाहें सभी की रहती हैं कि आखिर कैंडिडेट्स की लिस्ट में बड़े चेहरे कहां से उतारे गए हैं, किसको कहां से टिकट दिया गया है। राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी को टिकट मिला है। वसुंधरा राजे बीजेपी की तरफ से सीएम कैंडिडेट्स के तौर पर एक वक्त में मानी जाती थी। हालांकि पिछले कुछ दिन में सियासी समीकरण बीजेपी के भी बदले हैं। उधर कांग्रेस में परेशानी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट वक्त वक्त पर बढ़ाते रहे हैं। ऐसे में बड़ी खबर राजस्थान को लेकर, झालरा पाटन से वसुंधरा राजे चुनावी मैदान में चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। बीजेपी ने बहुत सोच समझकर ये दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 83 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी ने किया है। मनु शर्मा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। मनु जी, वसुंधरा राजे झालरा पाटन से अपनी किस्मत आजमाने वाली हैं, और कौन कौन से बड़े नाम इस लिस्ट में हैं? देखिए रचना, बताना चाहेंगे कि जो पहली लिस्ट निकली थी उसके बाद जैसा बवाल मचा था, उस बवाल को थामने के लिए वसुंधरा राजे के जो समर्थक हैं उनको टिकटों का ऐलान किया गया। इस दूसरी सूची को देखने पर ये लग रहा है साफ तौर से खुद वसुंधरा राजे का नाम जो झालरा पाटन से आ गया है, तो उनके जो समर्थक हैं कालीचरण सर्राफ, जिनका जयपुर से माना जा रहा था इस बार टिकट मिलेगा नहीं उनको, लेकिन उनका मालवीय नगर से टिकट दे दिया गया है। इसी तरीके से अगर बड़ा नाम देखा जाए तो राजेंद्र राठौड़ जो चूरू से चुनाव लड़ते थे, उन्होंने अपना चुनाव क्षेत्र बदल लिया है और वो तारानगर से चुनाव लड़ेंगे। सबसे बड़ी खबर तो ये मानी जा सकती है, जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में राजेंद्र राठौड़, उनका चुनाव क्षेत्र बदला गया है, उनको चूरू से ना उतार करके तारानगर से टिकट दिया गया है, तो सबसे बड़ी खबर ये है। दूसरी बात, सतीश पूनिया जो है आमेर से चुनाव लड़ते हैं, उनको इस बार भी आमेर से टिकट दिया गया है। तो सबसे बड़ी खबरें एक और बता सकते हैं दर्शकों को, जिसके अंदर ज्योति मिर्धा जो पूर्व में सांसद रह चुकी है, कांग्रेस में सांसद थी, उनको हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा गया। मिर्धा परिवार राजस्थान के अंदर बड़ी अहमियत रखता है और उसको अब की बार नागौर से चुनाव मैदान में उतारा गया है। हनुमान बेनीवाल जो है उन्होंने पहले चुनाव लड़ा था सांसद का, और ज्योति मिर्धा जो है पहले वहां से चुनाव लड़ चुकी हैं, उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था और इस बार जो है मैदान के अंदर सीधे तौर पर ज्योति मिर्धा को उतार दिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं। साथ ही जो एक और बड़ी खबर है कि जयपुर से जो है एक बड़ा टिकट जिसको माना जा रहा था सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये माना जा रहा था कि अशोक लाहौटी जो वर्तमान में विधायक है उनका टिकट काट दिया गया है। अशोक लाहौटी का टिकट काट करके वहाँ पर भजनलाल शर्मा जो संगठन के अंदर काम करते आए हैं लंबे समय से, उनको मैदान में उतारा गया है। कहीं ना कहीं इस लिस्ट के अंदर जो है संघ का समावेश भी नजर आ रहा है। संघ की ओर से जो नाम गए हैं उसके ऊपर भी उन्होंने विचार किया है। और मुंडावर जो है वहाँ मनजीत सिंह धर्मपाल चौधरी को उतारा गया है। हेम सिंह बड़ाना को थानागाजी से, पुराने टिकट जो ज़्यादातर रिपीट किए गए हैं। दिगंबर सिंह जो है जो भरतपुर से आते थे, अब की बार उनके बेटे शैलेश सिंह को उतारा गया है वहाँ से मैदान के अंदर। तो पुराने जो अगर विधायक देखे जाएं, जिसके अंदर अनीता बघेल सेम अजमेर से रहेंगी, और वैसे ही वासुदेव देनानी को अजमेर दक्षिण से उतार दिया गया मैदान में। तो ये लगातार जो सीटें निकल कर के सामने आई, लगभग 41 की सूची पहले थी, वो 83 नामों की सूची इस बार जारी की गई है। उसके अंदर अधिकतर नाम जो हैं पुराने विधायकों को रिपीट करने की कोशिश की है, कुछ जगह कटे हैं, जिसके अंदर बड़ा नाम जो है जयपुर से एक सांगानेर विधानसभा क्षेत्र, जिसको माना जा रहा था काफ़ी विवादास्पद, क्योंकि आरएसएस के ऊपर सीधे तौर पर आक्षेप लगाने के लिए अशोक लाहौटी का एक नाम आ रहा था, तो उनका टिकट काटा हुआ माना जा रहा था। एक बड़ी खबर हम और बताना चाहते हैं दर्शकों को, जो पिछली सूची के अंदर नरपत सिंह राजवी जो सीधे तौर पर विद्याधर नगर से चुनाव लड़ते हैं, उनकी जगह दिया कुमारी को मैदान में उतारा गया था। दिया कुमारी की जगह जो नरपत सिंह का टिकट काटा गया था, उनको चित्तौड़ से मैदान में उतारा गया है। मतलब उनका टिकट बरकरार रहेगा, उनको चित्तौड़, उनका जगह बदल दिया गया, अब चित्तौड़ से चुनाव लड़ेंगे वो। जी ओवरऑल अगर मनु जी आपकी बात पर मैं ध्यान दूं, वसुंधरा राजे के समर्थकों का ध्यान रखा गया, साथ ही साथ पुराने चेहरों को रिपीट किया गया है, बहुत ज्यादा नए एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने नहीं किए हैं, मतलब बहुत सोच समझ कर ये लिस्ट जारी की है, ताकि ये जो लिस्ट जारी होने के बाद की नाराजगी होती है वो कम से कम सामने आए। ऐसे चांसेस इस लिस्ट के बाद क्या हैं कि हाँ बीजेपी कैंडिडेट्स के नाम सामने आने के बाद बीजेपी में नाराजगी अंदर खाने नहीं सामने आएगी? और दूसरी बात, बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी, कांग्रेस के अंदर इतनी माथापच्ची क्यों है? देखिए कांग्रेस में जो माथापच्ची चल रही है वो सचिन पायलट वर्सेज गहलोत को लेकर के चल रही है। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संकेत पहले दे दिए थे कि सचिन पायलट ग्रुप के जितने भी लोग मानेसर गए थे उनके साथ में,
उनके टिकट मैं क्लियर करवा रहा हूँ, यानी उनका सहयोग कर रहा हूँ। सीईसी की बैठक के अंदर जो उनकी बैठक हुई चुनाव समिति की, उसके अंदर उन्होंने उसको क्लियर कराने की कोशिश करी है। तो उनके विधायकों का टिकट क्यों काटा जा रहा है, उनके मंत्रियों का टिकट क्यों काटा जा रहा है? सीधे तौर पर शांति धारीवाल का नाम निकल करके सामने आया था, एक वरिष्ठ मंत्री है, मैं गहलोत के बाद में उन्हीं का नंबर आता है कैबिनेट में, तो उनका टिकट काटे जाने की बात थी। दूसरी बात जो निकल करके सामने, जिस पर सीधे तौर पर सोनिया गांधी ने भी आपत्ति जताई, महेश जोशी जो जलदाय मंत्री है उनका टिकट काटने की बात थी। एक उनके बिल्कुल निकटवर्ती सहयोगी हैं धर्मेंद्र राठौड़, वो पुष्कर से टिकट मांग रहे हैं, उनका टिकट पे मना कर दिया गया। तो ये बड़े नामों पर जब सीधे आलाकमान ने आपत्तियां जताई, तो इस बात को लेकर के ये सारी माथापच्ची चल रही है कि अगर पुराने लोगों को मैदान में नहीं उतारा गया तो वहाँ भी बगावत का बड़ा खतरा हो सकता है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये माना जा रहा था कि इस बार वसुंधरा राजे का टिकट फाइनल होगा या नहीं होगा, लेकिन पार्टी ने जिस तरीके से पुरानी वाली लिस्ट को देखा और उसके बाद में जिस तरह सांसदों का विरोध सामने आया, इसमें अभी तक सांसद का किसी का नाम नहीं आया है। पूरे 83 लोगों की सूची जारी की गई है, इसके अंदर किसी सांसद को मैदान में नहीं उतारा गया इस बार, क्योंकि जो पहले से तैयारी कर रहे हैं लोग उनका काफ़ी भारी विरोध देखने को लोगों का मिला था, जिसके अंदर चाहे बाबा बालकनाथ हो, चाहे देवजी पटोले हो सांचौर से, चाहे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो, इन लोगों को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है आज भी। तो ऐसी स्थिति के अंदर पार्टी ने फूंक फूंक कर कदम रखा है और पूरे सोच विचार करके, और जितने भी सर्वे उनके पास में चाहे संघ की तरफ से जो सूची आई है उसके ऊपर वसुंधरा राजे जैसे लगातार दबाव बना रही थी, उनके नामों को भी इसके अंदर तरजीह दी गई है। जयपुर के अंदर जो सबसे बड़ी सीट मानी जा रही थी मालवीय नगर से कालीचरण सराफ, जो मैंने आपको पहले बताया, उनका टिकट बिल्कुल ये माना जा रहा था कि इस बार उनको टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन उनको भी टिकट मिल गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर कहीं ना कहीं जो दबाव जो है वसुंधरा राजे का वो काम में आया। जी रचना, अगर दबाव काम आया है तो क्या बीजेपी की तरफ से सीएम कैंडिडेट के चेहरे से पर्दा उठा है? साथ ही साथ उधर कांग्रेस जहां माथापच्ची अभी भी जारी है, अभी ताजा बयान अशोक गहलोत का जिसमें वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी मुझे छोड़ती नहीं है और मुझे ऐसा लगता है भविष्य में छोड़ेगी भी नहीं। देखिए मुख्यमंत्री की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई पर्दा हटना, लेकिन खुद प्रधानमंत्री जब यहां करके साफ तौर पर कह गए हैं, कोई केवल कमल निशान एक रहेगा जिसके ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है। इस बार राजस्थान के अंदर सभी नेताओं ने साफ कर दिया, लेकिन जो छतरप पैदा किए गए हैं अलग अलग संभाग के हिसाब से, अगर बात करें कि मेवाड़ के अंदर आज सीपी जोशी और दिया कुमारी को आगे बढ़ाया गया, वैसे ही कोटा के अंदर ओम बिरला आगे हैं, तो बीकानेर के अंदर अर्जुन राम मेघवाल आगे हैं, मारवाड़ की अगर बात करें जोधपुर की तो वहाँ गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, तो इन तमाम नेताओं को अलग अलग क्षेत्र से आगे किया गया है। तो इन लोगों को संभागवार जिम्मेदारी देकर के आगे आएंगे ये लोग, उसके बाद में जब विधायक दल की जब बैठक होगी और केंद्रीय नेतृत्व जिस पर मोहर लगाएगा अंतिम निर्णय वही होगा, लेकिन चुनाव लड़ने की जो बात है राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार नजर आप बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया अभी के लिए आपका।